उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेश में भी ये बात कही गई है कि यूपी को प्लास्टिक मुक्त प्रदेश बनाना है। इसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा हम लोगों को दिशा निर्देश दिए गए थे, उन्हीं के क्रम में हम और सीओ सिटी साहब ने आज यहाँ छापा मारा और इसमें हमें प्रतिबंधित प्लास्टिक का एक बहुत बड़ा स्टॉक मिला, जिसके खिलाफ जो भी विधिक कार्रवाई वो की जा रही है। कितने स्पॉट पे सर छापे मारे हैं आज आप? हमने चौक बाजार है यहाँ पे, वहाँ पे कई दुकानों पे छापेमारी की। कुछ दुकानों पे हमें ये मिला कि प्रतिबंधित प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, लेकिन कुछ दुकानों पे कागज के जो प्रोडक्ट हैं उनका प्रयोग करता हुआ मिला पाया गया, तो वहाँ पे इस प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई। जहाँ प्लास्टिक पाई गई वहाँ पे हमने उनको जब्त किया और उनके खिलाफ जुर्माने की कार्रवाई की। जो सर प्रतिबंधित पॉलीथीन यूज कर रहे हैं, इनके चिन्हीकरण के लिए क्या कोई आप लोगों ने कुछ वॉलंटियर या इस तरह की टीम तैयार करी है क्या? नगर पालिका को विशेष रूप से इसका नोडल बनाया गया है, वो निरंतर अपनी एक टीम द्वारा इसका पर्यवेक्षण कराते हैं और जहाँ कहीं भी इस प्रकार की कोई एक्टिविटी नजर आती है या कोई प्रतिबंधित प्लास्टिक उपयोग करता हुआ मिलता है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।